हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है, डाइस किए हुए प्याज लिए हैं, बारीक कटा हुआ अदरक है, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, एक कटोरी मैंने यहाँ टमाटो प्योरे लिया है और हरा धनिया लिया है। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में तेल लेकर उसमें भिंडी डाल दी है और उनको चलाकर मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, और इसको मैं ढककर रख दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो भिंडी है हमारी फ्राई हो जाए। उसके बाद हम ग्रेवी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में तेल लिया है। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ और बारीक कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तब मैं इसमें अपने प्याज डाल दूँगी और उनको भी अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद मैं डाइस कटे हुए प्याज डाल रही हूँ और उसको भी मैं भून लूँगी हाई फ्लेम पर। जब हमारे प्याज अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। ये देखिए, हमारे जो टमाटर हैं हम उनको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। हमारे टमाटर के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और मैं यहाँ डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। और इन सब मसालों को मैं प्याज और टमाटर के साथ मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। इसके बाद मैं यहाँ देगी मिर्च डाल रही हूँ, ताकि इसमें काफ़ी अच्छा रंग आ जाए। और इसको मिक्स कर लिया है मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पर टमाटो प्यूरे ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है और अब मैं इसको ढककर 5 से 6 मिनट पकने दूंगी। इतने हम भिंडी देख लेते हैं, ये हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इनको गैस पर से उतार लेते हैं। देखिए, भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये हमने निकाल ली है सारी। इधर हमारी टमाटर की जो प्यूरी थी वो भी अच्छे से भुन चुकी है। इसको हम चला लेंगे और इसमें अपनी जो हमने फ्राई कर भिंडी रखी थी उसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें चुटकी भर गरम मसाला और चुटकी भर ही हींग ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको ढककर 5 से 6 मिनट पकने दूँगी, ताकि जो मसाला है वो भिंडी में अच्छे से रम जाए। और उसके बाद मैं इसमें यहाँ 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मिक्स कर लूँगी और हमारी भिंडी दो प्याज़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। हम इसको सर्व कर लेते हैं और ऊपर से हम इसमें धनिया डालकर इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। और हमारी भिंडी दो प्याज़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।